हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस की सोच रही है कि ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी लोगों ने देखा है कि जब लोकसभा में इनको लगता था कि इनकी सरकार दिक्कत में है, तब ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए घूमते थे। हरियाणा सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है। प्रदेश के लोग कांग्रेस की इच्छा पूरी करने वाले नहीं है, ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं कि सरकार अल्पमत में है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं। प्रभावी नेता भी सरकार की रही है। ये वहां पर जब प्रधानमंत्री जी योजना लॉन्च की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये कुमारी शैलजा धरने पर बैठ गई और कहने लगी कि किसानों का शोषण हो रहा है। मैं आज सिरसा के अंदर सिरसा की सरदारी में, और कल मैंने डबवाड़ी के अंदर भी किसानों के बीच में, लोगों के बीच में बात किया। ये धरने पर बैठी थी और ये उस समय के अंदर कांग्रेस की सरकार भी थी, केंद्र में भी थी, प्रदेश में भी थी। इन्होंने मात्र 1100 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का दिया था। आज 9.5 वर्ष हुए हैं हमारी हरियाणा सरकार को, 10 वर्ष केंद्र सरकार को हुए हैं। मैं उनको आईना दिखाना चाहता हूं कि किसान की फसल का अगर खराबा हुआ है तो हमने 12.5 हजार करोड़ रुपया किसान के खराबे का डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। और उनके समय के अंदर भी जो 267 करोड़ रुपए रुका था उसको भी देने का काम किया। ये लोग तो किसान के साथ मजाक करते थे, 2 रुपए का चेक, 5 रुपए का चेक, और आज झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी साहब, और ये भी उसी की थाली के अंदर बैठ करके खाना खाते हैं और ये भी उन्हीं की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी अब कहने लगा एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अरे पहले अपने पूर्वजों के